Hello, good morning everyone. How are you? I am fine. What about you? I think so. You are healthy at your home with your family. Now, some more exercises of the chapter we will discuss today. See, first one, Behla, kya hai, beta? state whether the following statements are true or false. है ना इसमें से ये बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं देखिए पहला क्या है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रीशन इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन तो बेटा जब पी e. को मैंने डिस्क्राइब किया था डिस्कस किया था क्लास में दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन एनर्जी मल जो होता है वो दैट इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली डेफिशेंसी ऑफ और लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और यू कैन से इन आवर बॉडी ओके हमारी बॉडी में या फूड में जब प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा समय तक होती है तब यह डिजीज होती है सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट राइट बेटर नेक्स्ट देखिए दूसरा डेफिशियंशी ऑफ विटामिन बी कॉजेज ग्वेटर है ना विटामिन बी की कमी से ग्वाइटर नहीं होता है बेटा ग्वाइटर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है आप देखिएगा पीछे के प्रीवियस वीडियोज उसमें ग्वाइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशियंशी ऑफ अ मिनरल कॉल्ड आयोडीन इन आवर डाइट हमारी डाइट में जब आयोडीन मिनरल की कमी होती है तब ये डिजीज होती है बेटा या हमारी बॉडी में राइट सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट वन थर्ड आप देखिए मिनरल्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए जरूरत नहीं होते हैं ये कह रहे हैं ये आपको बताया मैंने ट्वेंटी वन मिनरल्स मालूम है याद आ गया आप लोगों को दैट टाइम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैंने बताया था ट्वेंटी वन मिनरल्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड कीप द बॉडी हेल्दी ओके सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट और यू कैन से फॉल्स राइट बेटा नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी स्किन एंड आई यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अगर हम प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन ए अपनी डाइट में लेते रहेंगे तो बेटा हमारी आईज और स्किन हेल्दी रहेंगी राइट right, बेटा नेक्स्ट देखिए अबाउट रफीज रफीज हेल्प अस टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन रफीज और यू कैन से डायट्री फाइबर्स डायट्री फाइबर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम यस बेटा हाँ बताया था ना मैंने यस दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स ओनली वी आर गेटिंग दैट फ्रॉम प्लांट्स और ये भी बताया था हमारे फूड को हम जो हम खाते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल में फूड पाइप में प्रॉपर पास करने में हेल्प करता है सो वी कैन से इट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस इज विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल यस बी आर सी जो है वो सॉल्युबल सोल्यूबल विटामिन बेटा है ना और और आगे की बात बता दू मैं आपको बेटा कि विटामिन बी और सी वी विल टेक इन एक्सेसिव क्वांटिटी एज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी देन इट पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन यस बेटा समझ आया दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट आई हैव एक्सप्लेन आई थिंक यू ऑल हैव गॉट नेक्स्ट बेटा आगे देखिए मैच दैचिंग है, है यहाँ पे मैचिंग करनी है बेटा यहाँ पे देखिए ए कॉलम में जो दिया है उसको बी कॉलम से मैच करना है अब देखिए पहला क्या है डेफिशियंशी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है यस yes. जब मैंने बताया था यस yes, ध्यान करिए बेटा उस टाइम बताया था कि छोटे बच्चों में ये डिजीज होती है द नेम ऑफ द डिजीज इज यस करेक्ट मैरेसमस तो यू कैन मैच इट विद द मैरेसमस ओके नेक्स्ट विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की हमें कब जरूरत पड़ती है बेटा आपको मालूम है वेन वी गेट इंजर्ड एंड ब्लीडिंग इज देयर जब ब्लीडिंग हो रही होती है और हम लोग इंजर्ड हो गए होते हैं तब क्लॉटिंग की जरूरत होती है मालूम है आपको तो उस समय कौन सा हमें विटामिन या हेल्प करता है बेटा यस दैट इज विटामिन के यस करेक्ट विटामिन के इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस नेक्स्ट थर्ड वन यू सी डेफिशिय विटामिन डी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है मालूम है आपको विटामिन डी इज फॉर टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग है ना और बोन्स से रिलेटेड डिजीज यहां पे आप देख रहे हो कौन सी दी हुई है रिकेट्स यस रिकेट्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फोर्थ वन लैक ऑफ विटामिन सी विटामिन सी की कमी से क्या होता है विटामिन सी की कमी से आप देखिए डिजीज होती है वो उसका नाम है बेटा स्कर्वी yes, स्कर्वी इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस लास्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ़ आयोडीन आयोडीन की कमी से मैं अभी आपको बताया था पीछे है ना ट्रू फॉल्स में अभी एक्सप्लेन किया ना ओनली आई कि आयोडीन मिनरल जब हमारी डाइट में या हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड तक कम होगा तो हमारे नेक्स्ट स्वेल हो जाते हैं है ना ठीक है नेक के अंदर जो ग्लैंड होती है इनसाइड वो स्वेलअप हो जाती है तो वो डिजीज कहलाती है ग्वाइटर और ग्वाइटर इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ दिस बेटा नाउ आई थिंक यू हैव ऑल यू हैव गॉट दिस मैचिंग नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा गिव वन वर्ड आंसर वन वर्ड के आंसर लिखने हैं है ना इसका देखिए पहला नेम वन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ना कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है ना जिसमें भी बेटा स्वीटनेस होगी जो भी फूड आइटम हम स्वीट फूड आइटम होगा वो सब में क्या प्रेजेंट होगा बेटा कार्बोहाइड्रेट राइट right, बेटा तो इसमें यू कैन राइट पोटैटोज राइस स्वीट जो हम लोग कॉमनली खाते रहते हैं एनी वन यू कैन राइट ऑफ देम ओके नेक्स्ट इज नेम वन सोर्स ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मिल्क तो है ही बेटा मिल्क तो बैलेंस डाइट कही जाती है उसको ठीक है बेटा वेजिटेबल एग्स एनी वन यू कैन राइट दैट आर रिच इन प्रोटीन मिनरल ओ सॉरी प्रोटीन न्यूट्रिएंट नेक्स्ट बेटा नेम वन डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ बी वन बी वन की डेफिशियंसी से क्या होती है डिजीज बी वन की से हम जो फूड खाते हैं बेटा उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है दैट इज पुअर डाइजेशन नेक्स्ट नेम वन वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कोई एक लिखने हैं मैंने यहां दो लिख दिए हैं आप एनी वन यू कैन राइट विटामिन बी एंड सी बोथ आर वाटर सॉल्युबल राइट बेटा नेक्स्ट इज च मिनरल इज नेसरी फॉर बोन्स एंड टीथ वो हम पीछे भी अभी ट्रूफॉल्स में भी शायद मैंने डिस्कस किया और एक्सप्लेनेशन में भी बताया आंसर इज कैल्शियम दैट इज मैन फॉर स्ट्रोंग बोन्स एंड टीथ ऑल्सो ना बेटा दिस एक्सरसाइज ओके टूडेज सेशन आई एम गोइंग टू कंक्लूड ओके आई थिंक यू हैव गॉट ऑल दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस और फिर भी अगर यू हैव नॉट गॉट एक्सप्लेनेशन देन यू कैन पोस्ट योर क्वेरी यस बेटा ऑलवेज वेलकम योर्स बाय बेटा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी